हेलो एवरीवन, आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिनर फाइला यूनिट नंबर 4, जिसका की नाम है ब्रेकियोपोडा। तो आज हम लोग ब्रेकियोपोडा फाइलम के बारे में जानेंगे। ब्रेकियोपोडा माइनर फाइला के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग इसमें सबसे पहले समझते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं आकारिकी। चलिए अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप, उसकी साइज एंड स्ट्रक्चर को डील करती है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं ब्रेकियोपोड्स एनिमल क्या होते हैं। ऐसे एनिमल जो कि ब्रेकियोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं और उनमें विशेष ये है कि सेल होगा तो उसे ब्रेकियोपोड्स कहते हैं। इनमें अपर और लोअर सरफेस पर वाल्वस मतलब कपाट होते हैं। जो वाल्वस होते हैं वे अनइक्वल होते हैं और वे जुड़े हुए होते हैं एंड आगे से वो ओपन हो सकते हैं और पीछे से कनेक्ट होते हैं। फ्रंट जो है खाना खाने के लिए खुलता है और प्रोटेक्शन के लिए बंद रहता है। चलिए मैं अब आप लोगों को इसका थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये फ्रंट व्यू लिखा है, सामने से हम लोग उसको देखेंगे ऐसा हमको नजर आएगा। ठीक है, ऐसा ये देखिए, ये उस टाइप का व्यू है। और ये देखिए बैक व्यू लिखा है, बैक व्यू मतलब पीछे का व्यू है। ऐसे हम लोग इसको पलटा देंगे ऐसे, ठीक है, तो ये वैसा वाला व्यू है। ठीक है, ऐसे बैक व्यू है। और देखिए ये क्या लिखा है, साइड व्यू। ऐसे हम लोग इसको ओपन कर देखेंगे। ठीक है, क्षैतिज ऐसे, ठीक है, तो ये उस टाइप का व्यू है ये वाला। ऐसा वाला व्यू है ना, ऐसे ओपन कर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये उस टाइप का व्यू है। और देखिए ये वाला, ऐसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल रख कर देखेंगे ओपन करके ना, तो हमको ऐसा नज़र आएगा। ये उस टाइप का व्यू है, दिखा रहा हूँ मैं ऐसा। ठीक है, ऐसा वाला व्यू है, ऐसे ओपन कर देखेंगे ना लॉन्गिट्यूडनल, तो ये उस टाइप का व्यू है। और ये पूरा एक सॉकेट है, आगे मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स ऑफ ब्रेकियोपोड्स। ठीक है, ब्रेकियोपोड्स एनिमल के कुछ लक्षण देखते हैं।
फर्स्ट है, जो सेल होती है वो इक्विलेटरल एंड अनइक्वल होती है। इक्विलेटरल मतलब जो साइड्स है वो आपस में बराबर बराबर होती है। अनइक्वल यानी कि सेल में जो दो वाल्वस होते हैं वो बराबर नहीं होती है। दोनों वाल्वस एक जगह से पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, उस पॉइंटेड हिस्से को बीक कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, दोनों वाल्व एक जगह से क्या है भाई, कनेक्टेड है। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, बीक या अम्बो, बीक मतलब चोंच, ठीक है। वे सेल के पीछे का हिस्सा बताते हैं, ठीक है, जो वेंट्रल वाल्व का बीक होता है वो डॉर्सल वाल्व के मुकाबले ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हैं, ये क्या है, डॉर्सल वाल्व है और ये क्या है, वेंट्रल वाल्व है। तो जो वेंट्रल वाल्व का बीक होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, किससे, डॉर्सल वाल्व के बीक से। जो सेल का सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। आप देखिए ये बैक व्यू में जो सेल का पीछे वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, चिकना होता है। बट थोड़े थोड़े स्पेस के बाद वहाँ पे ग्रोथ लाइन दिखती है, ठीक है। जैसे जैसे ये एनिमल बड़ा होगा तो क्या होगा भाई, इसमें ग्रोथ लाइन बनने लगती हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्रोथ लाइन, ठीक है। जो सेल मार्जिन के पैरेलल होते हैं, जो डॉर्सल वाल्व है उसमें जो अंदर का हिस्सा होता है उसे नोटोथायरियम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये डॉर्सल वाल्व है, ठीक है, इसमें ये जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, नोटोथायरियम। और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे डेल्थायरियम कहते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, डेल्थायरियम। जो नोटोथायरियम की कवरिंग होती है उसे चिलिडियम कहते हैं, ठीक ठीक है। देखिए ये क्या है, नोटोथायरियम है, ठीक है, और ऐसे लकीर लकीर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, नोटोथायरियम की कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं, चिलिडियम, ठीक है। एंड डेल्थायरियम की कवरिंग को डेल्टिडियम कहते हैं। देखिए ये नीचे वाला क्या है, डेल्थायरियम है, और ऐसा ऐसा जो लकीर है ये क्या है, डेल्थायरियम की कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टिडियम। इन आर्टिकुलेट ब्रेकियोपोड्स, इन आर्टिकुलेट ब्रेकियोपोड्स किसे कहते हैं, जिनमें टूथ एंड सॉकेट नहीं होते, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें मसल जो वाल्व को खोलती है वे डायरेक्टर मसल होती है, और ये वाल्व को ओपन करने में मदद करती है, ठीक है, और जो वाल्व को क्लोज करने में मदद करती है उसे अडक्टर मसल्स कहते हैं, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हैं,
ये क्या है डायरेक्टर मसल है। डायरेक्टर मसल क्या करती है, वाल्व को खोलने का काम करती है। और ये वाला क्या है अडक्टर मसल है। अडक्टर मसल क्या काम करती है, जो वाल्व होता है उसको बंद करने का कार्य करती है। वेंट्रल वाल्व के फोरमेन पार्ट से, ठीक है, जो वेंट्रल वाल्व होता है उसके फोरमेन पार्ट से एक मस्कुलर स्टॉक जुड़ा होता है जो कि बाहर की तरफ निकलता है और जो नीचे की लेयर है उससे जुड़ा होता है, इसे पेडिकल कहते हैं। ठीक है, यह है वेंट्रल वाल्व। ठीक है, इससे क्या निकला है, एक मस्कुलर स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है जुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं पेडिकल। कभी कभी जो टीथ से होते हैं उनको एक प्लेट सपोर्ट करती है, उसे डेंटल प्लेट कहते हैं। ब्रेकियोपोड्स के अंदर क्रूर मीडियन सेप्टम सेप्टियल प्लेट्स स्पोंडाइलियम ब्रेकिडियम ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ब्रेकिडियम में दो लूप्स होते हैं जो कि कर्वड सेप्ड में होते हैं और दो जगह से बेंट रहते हैं। दोनों आर्म्स के बीच में जो स्केलेटल कनेक्शन होते हैं उसे जुगुम कहते हैं। ठीक है, ये पूरा एक सॉकेट का डायग्राम है। इसमें ये जो दो क्या है स्केलेटन कनेक्शन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जुगुम बोलते हैं। स्केलेटल कनेक्शन मतलब जो इसके कंकाल का जोड़ है, ठीक है, इसको बोलते हैं जुगुम। जो उसका एक्सटर्नल हिस्सा होता है उसमें कभी कभी उभार बने होते हैं और ये ऊपर की तरफ उठी हुई होती है और ये बीक से निकलती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं रेडियल रिब्स कहते हैं। ये वाला जो बीक से उभार निकला है इसको क्या बोलते हैं रेडियल रिब्स, ठीक है। स्पाइन्स नोप्स भी होती है जो कि इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को गहनों की तरह सजा देती है। जो सेल की शेप होती है वो इलोंगेटेड हो सकती है, इलिप्सॉइडल सब सर्कुलर ऑब्लेट कॉनकेवो कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स प्लेमो कॉन्वेक्स आदि हो सकती है। अगर सेल में छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं तो उसे पंक्टेट सेल कहते हैं। दोनों वाल्वस के बीच में जो जंक्शन होता है उस जोड़ को कमिश्योर्स कहते हैं। जो शुरुआत में सेल बनती है उसे प्रोटीगुलम कहते हैं। जितना सेल ओल्ड होगा उतना ज़्यादा वो थिक मतलब मोटा हो जाता है और उनका मार्जिन उतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम दिखा देता हूँ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।